और चल भाई, क्लाइंट भी आ गया। बड़ी ठंड रखो स्वीटी जी, माहौल को थोड़ा गर्म तो होने दो। वाहेगुरु, मुझे इसकी कोई बात तो समझ आया करे, सारी बाउंसर माता सारी। इतना सन्नाटा क्यों है? चलो अच्छा ही है, इतने बड़े केस का किसी को पता तो नहीं लगा। स्वीटी जी आप ना बड़े भोले हो। श्रीकांत साहब, एग्जैक्टली ये सब कब की बात है? आपने ड्रग्स लेने की शुरुआत कैसे की? आपकी लाइफ में सब ठीक तो है? सुना है श्रीकांत जी, काफी पुराना केस है और आपने इस केस को पहले दबवा दिया था। आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफी सवाल उठ रहे हैं श्रीकांत जी आपके ऊपर, और आपको इन सवालों का जवाब देना होगा। आप इन ड्रग्स केस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सच क्या है बताइए। चुप्पी से काम नहीं चलेगा श्रीकांत जी, जवाब चाहिए मीडिया को। पीछे हटिए, पीछे हटिए। पीछे तो आप हटिए, हमें अपना काम करने दीजिए। हम भी तो अपना काम ही कर रहे हैं, प्लीज हमारे क्लाइंट को तंग मत कीजिए। आपके क्लाइंट क्या कहना चाहेंगे आप इस केस के बारे में? आखिर ये केस है क्या? पहले आप अपना नाम बताइए। हाँ तो लिखिए, हमारा नाम सिद्धांत सिन्हा है और श्रीकांत रेड्डी का ये केस हम लड़ रहे हैं। और जहां तक कि हम इन्हें इस केस में बचा पाएंगे या नहीं का सवाल उठता है, तो उसका जवाब है कि हमें इन्हें बचाने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये इनोसेंट है। और आपके बाकी जो भी सवाल हैं हम कार्रवाई के बाद देंगे। थैंक यू। अरे चलिए चलिए चलिए, सवालों का जवाब तो देते जाइए। सुनिए, हाँ के सबसे पहले तुम सबको ट्रस्ट के बारे में समझा देना, और फिर श्रीकांत को इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद श्रीकांत की स्पीच, और लास्ट में Q&A, ठीक है ना? श्रीकांत कहाँ है? आधे होंगे अप्पा। पहुंचा नहीं? अभी तो टाइम है अप्पा, कम ऑन टाइम। फोन करो। ये मीडिया वालों को किसने बताया? ना कहाँ हूँ अप्पा, पूछे। तुम लोग शुरू करो, मैं पहुँच रहा हूँ। अरे पर हो कहाँ? शुरू करो तुम लोग, पहुँचता हूँ मैं, पहुँचता हूँ। ज़्यादा भोले मत बनो। कैसे पता चला इन सब लोगों को? मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि किसी को इस केस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और ये किया तुमने। अब सिद्धांत सिन्हा इतना बड़ा कुछ करने जा रहा है और किसी को पता ना चले, और तुमने कह दिया तो हम मान लेंगे? वैसे भी तुम हम पे ट्रस्ट कहां करती थी, जो अब तोड़ दिया। तुम तो हमारे पिताश्री की जजमेंट को ट्रस्ट करती हो ना? तो ये सब तुमने सिर्फ फेमस होने के लिए किया और कुछ भी नहीं सोचा? अन्ना आप पूछिए इससे, कैसे पता चला सब लोगों को? अभी तो समझाया अनुष्का को, फिर पूछ रही है। इन सब का जानना हमारे केस के जीतने के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए हमने ही बताया। बाकी सब सवाल बाद में करेंगे। और हाँ, अपने फोन को साइलेंट में रखना, जज बंसल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है उनके कोर्ट में फोन बजे। तुम्हें कैसे पता? वो हमारे ससुर जी हैं, यू नो, फादर इन लॉ। स्वीटी जी आ जाओ, जज बंसल जी को लेट आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रे
रेड्डी कॉर्पोरेशन का सारा कंपनीज आज के बाद ये ट्रस्ट रेड्डी ट्रस्ट के अंडर ऑपरेट करेगा। अब से सभी मेजर डिसीजंस ये ट्रस्ट का एडवाइस से लिया जाएगा। हमारा बैंकर्स, हमारा लीगल एडवाइजर्स, हमारा स्टेक होल्डर्स, सबको ये ट्रस्ट पे फुल कॉन्फिडेंस है और उन्होंने डिसाइड किया है कि इस ट्रस्ट को हेड कौन करेगा। एक का हिसाब से ये ट्रस्ट का वैल्यूएशन $10 बिलियन होना चाहिए और ये $10 बिलियन वर्थ ट्रस्ट को हेड करेंगे मिस्टर श्रीकांत रेड्डी। वन सेकंड, ये क्यू एंड ए के लिए अलग से टाइम मिलेगा आपको, प्लीज बैठ जाइए। उसमें भी पूछ लेंगे सिन्हा साहब, लेकिन अभी इतना तो बता दीजिए कि ट्रस्ट को हेड करने वाले श्रीकांत रेड्डी अब कहाँ हैं? वो उसको थोड़ा लेट हो गया। आई एम सॉरी। वृद्धि भी नहीं है। श्रीकांत को लेट नहीं हुआ है के साहब, और ये हम सबको पता चल चुका है। उधर श्रीकांत रेड्डी पर ड्रग्स एंड ड्राइव का केस चल रहा है और इधर आप उनका नाम अपने सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि श्रीकांत रेड्डी के इस तरह की छवि को लेकर आपको उन्हें ट्रस्ट का हेड बनाना चाहिए? आप अपने शेयर होल्डर्स को क्या जवाब देंगे? कॉर्पोरेशन के सीईओ कृष्णकांत रेड्डी के बेटे श्रीकांत रेड्डी आज ड्रग्स एंड ड्राइव के केस में सेशन कोर्ट में बैठे हुए। आज से एक महीने पहले वो ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे। आज जितना ही बड़ा इम्तिहान श्रीकांत रेड्डी का है, उतना ही बड़ा इम्तिहान हमारी कानून व्यवस्था का भी है। आज देखना है क्या एक बार फिर एक बड़ा आदमी गुनाह करके बच जाता है या फिर कानून के लंबे हाथ वाली कहावत सच साबित होती है। देखना यह है कि आज की रात श्रीकांत रेड्डी जेल में बिताएंगे या बाहर। केके को इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर पे पूरा भरोसा है। श्रीकांत ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। फिर भी मान लीजिए कि श्रीकांत रेड्डी पर लगाए हुए सारे इल्जाम अगर आज प्रूव हो जाते हैं तो? अगर श्रीकांत रेड्डी को सजा होता है तो वो रेड्डी ट्रस्ट का हेड नहीं बनेगा। वो नहीं बनेंगे तो फिर कौन? तो प्रभाकर सिन्हा। इन दैट केस प्रभाकर सिन्हा रेड्डी ट्रस्ट को हेड करेंगे। मिस्टर प्रभाकर सिन्हा का क्लीन इमेज पर तो किसी को डाउट नहीं है ना? अब हम ट्रस्ट का बात कर सकता है मिस्टर पंडित, माय ओल्ड फ्रेंड, या और कुछ पूछना है? चलें। अश्वनी सूद है, खड़ूस नंबर वन, नो नॉनसेंस बंदा है। इधर उधर की बातें मत करना वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बैठिए। ओहो सिद्धांत साहब, बड़ी जल्दी मुलाकात हो गई।
और वो भी आज टाइम पे। कर्मा सर, कुछ अच्छे कर्म किए ही होंगे कि आपकी कोर्ट में पेशी होगी। ऐसे ही अच्छे कर्म करते जाओ, जल्दी मोक्ष भी मिल जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर। श्रीकांत रेड्डी वर्सेस स्टेट, कार्यवाही शुरू की जाए। सूद साहब, दलील पेश करिए। केस बहुत सीधा है मिलाओ, कोई पेचीदगी नहीं। श्रीकांत रेड्डी ड्रग्स लेकर सड़क पर गाड़ी इस तरह चला रहे थे मानो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। स्पीड लिमिट तो छोड़िए, इन्हें तो राइट और रॉन्ग साइड का भी अंदाजा नहीं था। नतीजा वही जो अक्सर ऐसे केसेस में होता है। पहले इन्होंने गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ा दी, फिर गाड़ी को इतनी जोर से घुमाया कि गाड़ी उड़कर रॉन्ग साइड पर चली गई। दूसरा ड्राइवर बाल बाल बच गया। योर ऑनर, जब पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, ये नशे में धुत थे। पुलिस को इनकी गाड़ी में कोकेन मिला। ये कुछ तस्वीरें हैं जो सबूत के तौर पर मैं कोर्ट को पेश करना चाहता हूं। और ये कोकेन और लैब की रिपोर्ट। अब मैं चंद चश्मदीद गवाहों को बुलाना चाहता हूं जो उस रोज वहां मौजूद थे, जिनमें से पुलिस इंस्पेक्टर विष्णु, दूसरा ड्राइवर जो बाल बाल बच गया, और लैब का टेक्नीशियन जिसने सर्टिफाई किया है कि वो नाइजीरियन क्वालिटी का कोकेन था। परमिशन ग्रांटेड। अनुष्का, श्रीकांत का लॉयर कौन है? सिद्धांत। कौन? सिद्धांत अंकल। आज इसी बात पे हमें भी आशीर्वाद दे दो माँ। आज बहुत बड़ा केस है मेरी लाइफ का। आज जो भी केस हो तू ही जीतेगा। आशीर्वाद दे। खुश रहो। हमने मनसुकानी को फोन कर दिया है, वो पहुंच रहा है और हम भी पहुंच रहे हैं। ठीक है अंकल। प्लीज वेट। आप बैठिए, प्लीज वेट। अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ है, प्लीज वेट। लेकिन इससे आपके परिवार और आपके बिजनेस के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा लग सकता है। कोई धब्बा नहीं है, आप प्लीज वेट करिए। हाँ मनसुखानी, कहाँ पहुंचे? थोड़ा जल्दी करो प्रदीप, थोड़ा जल्दी चलाओ। अब आप जा सकते हैं। आखिर में मैं अदालत से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि श्रीकांत रेड्डी को नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक एक्ट के तहत सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा योर ऑनर, मैं अदालत का ध्यान एक और बात की तरफ खींचना चाहता हूं जो इस सबसे बहुत बड़ी है। योर ऑनर, यह सिर्फ ड्रग्स लेने का मामला नहीं है। असल बात यह है योर ऑनर कि इन अमीर लोगों को कानून का कोई डर नहीं, कोई इज्जत नहीं। इन्हें लगता है कि कानून बिकाऊ है, उसे खरीदा जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, जिस तरह श्रीकांत रेड्डी ने ट्राई किया था। वरना ये केस पिछले एक महीने से दबा हुआ नहीं रहता। ये कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, इसलिए अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि श्रीकांत रेड्डी को ऐसी सजा सुनाई जाए जो न केवल इन्हें सुधारे बल्कि उन सब अमीरों के लिए एक सबक साबित हो। आज के बाद अगर कोई अमीर कानून के साथ खेलने की सोचे तो उसके मन में डर हो। सूद साहब, हम भी कुछ कहें या सजा सुनवा ही देंगे? डिफेंस काउंसिल अब अपनी दलील पेश करें। जी। सूद साहब ठीक से सुनिएगा। तो जज साहब, जो तस्वीर आपको पेश की गई है वो तस्वीर हमने भी देखी है। क्या आप उस तस्वीर को देखकर ये यकीन से कह सकते हैं कि उस रात को श्रीकांत रेड्डी की गाड़ी रॉन्ग साइड ऑफ द रोड में पाई गई थी, जैसा कि सूद साहब दावा कर रहे हैं? वो तो इसलिए सूद साहब, अब हमारी बारी है, आप सिर्फ सुनिए। असल में पुलिस और सूद साहब इस नतीजे पर इसलिए पहुंचे थे कि उस रात को श्रीकांत रेड्डी की गाड़ी रॉन्ग साइड ऑफ द रोड में पाई गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने मन में यह तय कर लिया था कि
उस रात को श्रीकांत अपने घर से पार्टी करने के लिए यूपी की ओर जा रहे थे, पर सच तो ये है कि वो एक मीटिंग खत्म कर यूपी से दिल्ली यानी कि अपने घर आ रहे थे, इसलिए उनकी गाड़ी जिस साइड पाई गई तस्वीर में भी वही साइड है। और अगर आपको हमारी ये दलील गलत लगे तो सूद साहब कुछ ऐसा सबूत पेश कीजिए जिससे हमें पता चले कि उनकी गाड़ी उस तरफ से इस तरफ आते हुए दिखे, जैसे कि कोई फोटोग्राफ्स या सीसीटीवी फुटेज। असल में जो ड्राइवर ने अभी आके कहा कि उसकी जान बच गई, वो खुद रॉन्ग साइड से आ रहा था और हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने की एप्लीकेशन भी दर्ज करा दी। वो झूठ बोल रहा था और हमारे क्लाइंट श्रीकांत रेड्डी के खिलाफ साजिश में मिला हुआ है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी कुछ होता है सिद्धांत सिन्हा? बिल्कुल होता है सूद साहब, और आपका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उनकी गाड़ी से ड्रग्स बरामद होना, जिसके बेसिस में आपने ये डिसाइड कर लिया है कि उस रात को श्रीकांत रेड्डी ने ड्रग्स लिया था और उसकी वजह से उन्होंने गाड़ी भी गलत चलाई। फॉर योर ऑनर, उनके ब्लड टेस्ट में ड्रग्स का थोड़ा सा भी ट्रेस पाया नहीं गया। जी नहीं मिला। लेकिन आप तो सब जानते हैं कि ये सब रिपोर्ट्स कितनी आसानी से मैनेज की जा सकती है। चलिए मान लेते हैं कि गाड़ी रॉन्ग साइड पे थी या नहीं, इन्होंने ड्रग्स लिया या नहीं, इसमें शायद अजम्पशन है, लेकिन ये ड्रग्स जो उनके पास पाया गया, क्या ये भी गलत है? तो सीधे सीधे कहिए ना कि आपकी सारी दलीलें, सारी कहानियां सिर्फ इस एक बात पे आके रुक जाती हैं कि उनके पास से ये मिला। चलिए ये भी मान लेते हैं। बस यही तो सुनना चाहते थे हम आपसे सूद साहब। योर ऑनर, इससे पहले कि हम इस ड्रग्स के बारे में कुछ और कहें, हम एक बात कहना चाहते हैं। सूद साहब हमारे क्लाइंट के पीछे पड़े हैं क्योंकि हमारे क्लाइंट अमीर है। इसमें सिर्फ सूद साहब की नहीं, सबकी ही प्रॉब्लम है। इट्स अ जनरल परसेप्शन यू सी कि अगर आप अमीर हैं तो आप एक बुरे आदमी हैं, और अगर आपके पास पैसा है तो हम ये मान लेते हैं कि वो पैसा आपने कोई गलत ढंग से कमाया। अगर एक साइकिल और कार वाले की टक्कर हो जाती है तो हमें लगता है कि गाड़ी वाले की ही गलती होगी, बट ये बात जरूरी नहीं है योर ऑनर। क्या पैसा कमाना, अमीर बनना, ये कोई बुरी बात है? क्योंकि हम में से सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़कर तरक्की करें, बड़े आदमी बने, पैसा कमाए, अमीर हो, कि इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि ना तो कोर्ट, ना मीडिया, ना आम जनता किसी के भी खिलाफ गलत राय बनाए क्योंकि वो अमीर है। दिस ट्रायल बाय मीडिया नीड्स टू स्टॉप योर ऑनर। पॉइंट नोटेड सिद्धांत सिन्हा, नाउ कम टू द पॉइंट। तो असल बात ये है जज साहब कि आज का जो केस है वो एक सोचा समझा सर्कस है। ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। श्रीकांत रेड्डी पे आज कार्रवाई होगी, ये आज सुबह तक किसी को कानों कान खबर भी नहीं थी, फिर अचानक से इतनी सारी मीडिया पहुंची। जाहिर है हमारे क्लाइंट श्रीकांत रेड्डी ने तो उन्हें बुलाया नहीं होगा अपनी बदनामी करने के लिए। इतने भी बेवकूफ नहीं है वो। ये काम है उनका जो नहीं चाहते कि मेरे क्लाइंट श्रीकांत रेड्डी यहां से निकलकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे जो उनके पिता मिस्टर कृष्णकांत रेड्डी ने बुलवाई है, जिसमें आज श्रीकांत को रेड्डी ट्रस्ट का हेड बनाया जाएगा, और अगर ये नहीं हुआ तो रेड्डी कॉर्पोरेशन की बहुत बदनामी होगी और शायद फ्लाई हाई एयरलाइन की जो डील है वो उन्हें ना मिले। ये बस एक सोची समझी हुई बिजनेस स्ट्रैटेजी है योर ऑनर, जिसका सबसे बड़ा सबूत है ये, जिसे सूद साहब कब से कोकेन कह रहे हैं, और इसकी वजह से ही केस रुका हुआ है। असल में कोकेन नहीं बल्कि चीनी है। चीनी?
ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस प्लीज। चीनी है मिलॉर्ड, इसमें इतना कोकेन है कि इसे एक आदमी कंज्यूम नहीं कर सकता। लैब टेस्ट का रिजल्ट तो मैंने पहले ही दे दिया था। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने ही कहा था सूद साहब कि ये रिजल्ट्स कितनी आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं। हम कहते हैं ये चीनी है और मैं कहता हूं कि ये ड्रग्स है, इतना कि 3-4 आदमी को बेहोश कर दे। हाँ तो सूद साहब, कोई एक आदमी इसे कंज्यूम कर दे तो उसका क्या होगा? वो अपनी मौत को खुद बुलावा देगा सिद्धांत सिन्हा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.